कंप्लीट करते हैं रिमेनिंग मेंटेनेंस एक्सरसाइज और आज ये तो फाइनल लेक्चर होने वाला है वेक्टर अलजेब्रा के लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे और फिर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो लास्ट टाइम जो मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे थे उसमें ये क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था, ठीक है, और 13 भी कर लिया था, 14 भी कर लिया था, ओके, 16 से बाकी था। सो क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है प्रूव दैट ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। चलिए ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। देखिए a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है, थोड़ा सा इसके बेसिक्स में जाते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर a क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर हो सकता है। तो इसकी जगह पे इसके पहले वाले से वैसा भी a प्लस बी डॉट a प्लस बी की जगह पे हो सकता है। यही क्वेश्चन को ऐसे भी आपके सामने रखें कि वेक्टर a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। देखिए कितना पोर्शन और यहां से लेके ये दोनों एक ही बात है, क्लियर। तो पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा किसी भी फॉर्म में आए। अब दूसरी बात सॉल्व कैसे कर, तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से दोनों से हम चलते जाएंगे। तो देखिए इसका पता होना चाहिए कि ये a डॉट a होगा, फिर a डॉट b होगा, b डॉट a और b डॉट b, और फाइनली अगर आप देखें तो ऐसा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b और राइट हैंड साइड एज इट इज। अब अगर देखें तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर कट हो जाएगा और फाइनली वी हैव 2 टाइम्स a डॉट b इक्वल टू 0। So we can say vector a dot b is also zero। और ये possibility कब हो सकती है? तीन cases बन सकते हैं, either vector a zero होगा या b zero होगा या a and b पर perpendicular होगा। लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया है कि a and b जो vectors हैं वो zero vectors तो नहीं है। So यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, here it is given that वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। सो ए डॉट बी इज जीरो ओनली फॉर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर ए डॉट बी जीरो है तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट वेक्टर ए जीरो हो जाए तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, वेक्टर बी अगर जीरो हो गया तो भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, और तीसरा अगर ए एंड बी परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर मतलब कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा 90 डिग्री हो जाए और कोस 90 जीरो होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तब अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो। लेकिन हमने सिर्फ यही कंसिडर इस टाइम किया है, क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों तो नॉन जीरो ही है, ऐसा क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है, क्लियर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब ऑलमोस्ट हमारे पास सिर्फ कुछ एमसीक्यूज बचे हैं और ये तो हमने ऑलरेडी बहुत
बस डिस्कस कर लिया होगा। 16 में आपको दिया थीटा इज एन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी एंड ए डॉट बी ग्रेटर और इक्वल जीरो। तो ए डॉट बी के लिए तो मैंने पूरी कहानी आपको बता दी है कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जीरो कब होगा, वन कब होगा, माइनस वन या फिर ए इंटू बी कब होगा, माइनस ए इंटू बी कब होगा। क्लियर? वो थ्योरी अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो को भी हो सकता है एंड ए डॉट बी है वो इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कब होता है जब थीटा जो है वो जीरो टू पाई बाई टू या फिर जीरो अगर हो जाए तो भी। क्लियर? जीरो है अगर थीटा तो कोस जीरो वन होता है। तो ये जो ए डॉट बी है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा, और दोनों मैग्नीट्यूड है तो वो ग्रेटर देन जीरो ही होगा। और जीरो कब होता है जब थीटा इक्वल टू पाई बाई टू होता। तो ये दोनों को अगर मिला के देखे हम तो हमारे पास आना चाहिए थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई बाई टू इन क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि अगर ओपन ब्रैकेट की बात करें जीरो टू पाई बाई टू तो उसमें पॉजिटिव होता है। जीरो के पास अगर हम देखें ए थीटा इक्वल टू जीरो तो ए डॉट बी होगा ए बी कोस थीटा और कोस जीरो वन होता है तो ए बी दिस इज मैग्नीट्यूड सो इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो के पास बी ग्रेटर देन जीरो होगा और पाई बाई टू पे इक्वल टू जीरो होगा। हमें कुछ है ग्रेटर और इक्वल जीरो कब होगा तो इस केस में अब ऑप्शन अगर देखे तो बी ऑप्शन ऐसा है। देखो इसका मतलब ये भी होता है जीरो लेसर इक्वल थीटा लेसर इक्वल पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू के बीच में इंक्लूडिंग जीरो एंड पाई बाई टू। सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको दिया है ए बी आर बी टू यूनिट वेक्टर, मतलब कि ए एंड बी दोनों का मैग्नीट्यूड वन होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। Theta is angle between them and A plus B is also unit vector. देखिए A plus B vector A plus B is also unit vector. तो हमें निकालना है angle between A and B. ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो vector A plus B whole square से डिस्टेंस करो तो वो भी वन होगा कि नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना वो ऐसा होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वन, और ये दोनों हमारे पास वन वन है तो वन प्लस वन टू प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू वन, ये टू उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, ये टू को डिवाइड करेंगे तो ऐसा होगा ए डॉट बी। ए डॉट बी अगर माइनस वन बाई टू है तो अगेन हम यहाँ से ए डॉट बी का अगर डेफिनेशन बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, अगेन ये दोनों वन वन है तो फाइनली हम पहुंचेंगे कोस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू। अब देखते हैं कौन बता सकता है वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कोस थीटा इज माइनस वन बाय टू। ध्यान से सोचिए, पहली बार वन बाय टू होता कब है तो पाई बाय थ्री, कोस पाई बाय थ्री वन बाय टू होता है, तो एक पाई बाई थ्री जो है वो इधर होगा, एक पाई बाई थ्री है वो इधर होगा, लेकिन ये दोनों में से एक भी हमारा एंगल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर में कोस पॉजिटिव होता है, बाकी बचे दो एंगल, एक ये वाला पाई बाई थ्री और एक ये वाला पाई बाई थ्री, मतलब हमारा जो थीटा है ये दो में से किसी एक पॉइंट पे हो सकता है। एंगल ऑलवेज हम कंसीडर करते हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये हो सकता है या फिर जो यहाँ पे जो एंगल होगा वो हो सकता है। अब ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ना ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पाई से ज्यादा हो गया, और हमें पूछा है व्हाट इज थीटा एंड थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज जीरो टू पाई में होगा, उससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं आएगा। फाइनली बचा हमारे पास एक ऑप्शन, और ये अगर पाई बाई थ्री है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा पाई माइनस पाई बाई थ्री इज टू पाई बाई थ्री, ये आपका आंसर है। क्लियर? अब यहाँ से मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी देना चाहता हूं। क्या आपने एक चीज नोट की इस क्वेश्चन में,
There are three vectors, vector A, vector B and vector A plus B. ठीक है, अब सोचिए कि एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर बी दिया है, तो ए प्लस बी है ना, अभी हमने देखा था उसका रिजल्टेंट वेक्टर होता है। मतलब कि अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर ए प्लस बी होना चाहिए कि नहीं, क्लियर। अब फिगर में ड्रॉ कर चेंज करेंगे एज पर दी क्वेश्चन। इसमें ये आपको बोला है वन है, इसका मैग्नीट्यूड भी वन है और ये जो मैग्नीट्यूड है ना वो भी वन है। इट मीन्स जो ट्राइंगल हुआ वो उसमें तीनों साइड है वो इक्वल होंगी। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये होगा हमारे लिए यहाँ से ऐसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अब तीनों का मैग्नीट्यूड वन वन हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसमें बोला है कि थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्लियर। तो अब यहां से अगर आप देखें तो तीनों साइड इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों जो एंगल है वो 60 60 60 होते हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी, बी के बीच का जो एंगल है वो भी 60 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हमें मिला 2π/3। ये हम जो बात कर रहे हैं वो पाई बाई थ्री की, हमारे सामने है वो पाई माइनस पाई बाई थ्री, मतलब 120। तो आंसर 120 है, अगर फिगर से देखें तो 60 है, कुछ गड़बड़ है, ये आपको सोचना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है इनवर्ट गड़बड़ नहीं है, या तो थियोरिटिकली हम सोल्व करने में गलत जा रहे हैं या प्रैक्टिकली देखने में गलत जा रहे हैं, हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो आपको सोचना है पाई बाई थ्री सही है, टू पाई बाई थ्री सही है, थियोरिटिकल रिप्रेजेंटेशन सही है, या ये जो हमने फिगर से समझा है जियोमेट्रिकली वो सही है। और अगर दोनों में से कोई एक गलत है तो क्यों गलत है, ये आपको सोचना है, बहुत ही जरूरी। और अगर आपको आप में से किसी को अभी इसी तरह से समझ में आ गया कि क्या है ये सब खेल, तो मैं बोल सकता हूं कि वो वेक्टर में बहुत ही अच्छा कर रहा है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये बार आपको एक बार बता चुका हूं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सही है क्या गलत है, तो और थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर का बेसिक कांसेप्ट है। क्लियर, कल बात करेंगे हम इसके बारे में भी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट I क्रॉस के प्लस K डॉट I क्रॉस J, और लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर A एंड B, A डॉट B इक्वल टू A क्रॉस B, A डॉट B इक्वल टू A क्रॉस B, तो हमें फाइंड करना है थीटा। ये पहले बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आई जे के इस डायरेक्शन में अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर कैसे फाइंड करना है। अगर आपको याद है तो आई क्रॉस जे के होता है, तो जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के, तो देखिए जे क्रॉस के आंसर में आना चाहिए आई, फिर आई क्रॉस के, I क्रॉस J होता तो K होता, K क्रॉस I होता तो J होता, लेकिन यहाँ पे I क्रॉस K है उल्टा, देखिए I क्रॉस K है तो आंसर में J नहीं बट माइनस J आना चाहिए, और लास्ट में है I क्रॉस K, सॉरी I क्रॉस J, तो यहाँ पे पहले K क्या लिखते थे, I क्रॉस J होता है K, तो K का डॉट प्रोडक्ट होगा K, क्लियर। अब अगर आप देखें तो आई डॉट आई, अब डॉट प्रोडक्ट की बारी आ गई, तो उसकी प्रॉपर्टी देखें तो आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, बट के माइनस की वजह से माइनस वन, और के डॉट के भी वन, तो फाइनल आंसर होगा वन। क्लियर, बहुत ही ये भी जरूरी है, फिजिक्स में आप बहुत बार कर चुके होंगे। आ जाइए इधर,
ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का डेफिनेशन पुट कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बी एन कॉस थीटा, इधर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा इनटू एन के आएगा कि नहीं, नहीं आएगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ से ये कट हो गया और ये कॉस थीटा इक्वल टू इधर साइन थीटा आता है, सॉरी साइन थीटा। और हम सब जानते हैं कि इफ थीटा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई, तो यहाँ से यहाँ तक में वैसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे cos थीटा sin थीटा इक्वल होते हैं, बट अगर 0 टू पाई में ही आपका थीटा है तो सिर्फ एक ही पॉइंट होता है पाई बाय 4। ये तो हुई फर्स्ट थिंग, यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मैं आपके तरीके से एक क्वेश्चन देता हूँ, इफ थीटा बिलोंग्स टू r देन फाइंड थीटा। अगर अभी तो हम वेक्टर का डिस्कशन कर रहे हैं और वेक्टर में क्योंकि थीटा है वो 0 टू पाई नहीं होता है तो हमारा आंसर पाई बाय 4 है, बट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको थीटा बिलोंग्स टू r दिया है और ये कंडीशन दी होती तो आप थीटा कैसे फाइंड करते, ये एक क्वेश्चन। ठीक है, और एक दूसरा क्वेश्चन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। देखिए अगर मैं बात करूं तो ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें देखिए थोड़ा देखना पड़ेगा हमें आंसर में कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी है। देखिए ए, ये दूसरे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो मैं सोच रहा था। ए डॉट बी होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, जब इधर मैग्नीट्यूड लगाएंगे तो इधर भी मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब कि यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड है तो ये भी कॉस थीटा होना चाहिए, ये कॉस थीटा होना चाहिए, समझे। अब देखिए यहाँ से सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। वैसे आंसर तक तो हम पहुंच गए थे लेकिन ये टेक्निकल मिस्टेक थोड़ा सा रह गया था। cos theta इक्वल टू प्लस और माइनस sin theta आएगा, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। cos theta sin theta कब होगा, cos theta इक्वल टू माइनस sin theta कब होगा। अब यहाँ से थोड़ा और अगर आपको क्लियर हो आए तो आप सोच सकते हैं tan theta इक्वल टू 1, क्योंकि ये cos इधर जाएगा sin theta cos 10 उधर 1, और इधर cos इधर जाएगा तो tan theta इक्वल टू माइनस 1। अब हमें तो रहना है 0 टू 5 में सिर्फ यहाँ तक, क्लियर। बताइए tan थीटा माइनस 1 कब होगा, तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ओनली थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे। थीटा माइनस 1 कब होगा, पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। देखिए पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया, अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो ऑप्शन में हमारे पास 0 पाई बाय 4 पाई बाय 2 एंड 5 इतने ही ऑप्शन दिए हैं, तो अगर ऑप्शन से देखें तो हमारे पास आंसर में आएगा पाई बाय 4। बट यही क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से, यही क्वेश्चन अगर थ्योरी में होता है तो आंसर ओनली पाई बाय 4 नहीं आता, आंसर में पाई बाय 4 एंड 3 पाई बाय 4 दोनों आना चाहिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी तो ए बी साइन थीटा होता है, बट ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। तो अगर यहाँ पे मॉड्यूलस लग जाता है उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों तो पॉजिटिव है लेकिन कॉस थीटा नेगेटिव भी हो सकता है तो उसको भी पॉजिटिव करना जरूरी है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। क्लियर यहां तक की बात। तो यहां हमारा वेक्टर अलजेब्रा है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है ऐसा मेरा मानना है। अब बात कर लेते हैं कुछ चीजें जो हमसे छूट गई है। सबसे पहले बात करेंगे, एक क्वेश्चन मैंने जेडब्ल्यू का आपको होमवर्क में दिया था उसके बारे में, फिर और भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन हालांकि मुझे याद है लेकिन थोड़ा सा कहीं पे अगर मिसिंग पॉइंट है तो देख लेते हैं।
तो क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो ऐसा था कि ए बी सी बी थ्री वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। आपको लेमड़ा दिया है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, एंड आपको वेक्टर डी जो दिया है वो है ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। और आपको फाइंड करना है ये ऑर्डर पे लेमड़ा कोमा वेक्टर बी क्या होता है वो, क्लियर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप बोलेंगे आज तो पूरा दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही किए, नहीं ऐसा नहीं है, जेडब्ल्यू में आया है ये तो है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू का नहीं होता तब भी ये इंपॉर्टेंट होता। अगर आपने इस चैप्टर के मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले के जो एग्जाम्पल्स है मिसलेनियस एग्जाम्पल वो किए होते तो आप समझ जाते कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। जैसे ये तो एक बार हमारे पास सामने पहले भी आ चुका है, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में भी जरूरी है, लॉ ऑफ एडिशन में भी जरूरी है, और उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी आ चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं, एक क्वेश्चन फिजिक्स में भी आप कर चुके हैं, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लैम्ब्डा को टारगेट बनाते हैं, क्लियर। ये तो हमने सेम क्वेश्चन कर लिया था, जल्दी से मैं रिकैप करवा देता हूँ। ये मॉड्यूलस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा दोनों साइड। अब ये अगर आपको याद है तो होता है ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए या ए डॉट सी, दोनों सेम होते हैं, क्लियर। अब ये तीनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास होना चाहिए, वो हमें अभी क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, इट मीन्स हमने इसमें रीड करने में कुछ गड़बड़ किया है। ए बी सी डी थ्री यूनिट वेक्टर, तो ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर है, ये भी हमने दिया है, तो ये 1 + 1 + 1 + 2 टाइम्स ये जो हमारा रिक्वायरमेंट है लैम्ब्डा इक्वल टू 0, क्योंकि उसको लैम्ब्डा बोला है। सो फाइनली लैम्ब्डा हमें मिल सकता है, पहले ये 3 सामने जाके -3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो लैम्ब्डा मिल जाएगा -3/2, क्लियर। अब दूसरे फेज में हम बात करेंगे ये जो हमारा वेक्टर डी है उसके बारे में, लेकिन उसके पहले मैं अगर आपके सामने ये बात रखूं कि जेडब्ल्यू के क्वेश्चन में सोचना कैसे होता है, देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन मैंने लास्ट टाइम आपको लिखवाया, क्लियर। उसमें दो ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें -3/2 -3/2 दिया है और दो ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे 3/2 दिया है, लैम्ब्डा की बात कर रहा हूं। तो यहीं से आपको पता चल गया ये दो ऑप्शन जो है ये तो आने वाले हैं, अब हमें सिर्फ खेलना है फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन के बीच में। तो अगर देखिए ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि 25 क्वेश्चन आपको 1 आवर में करने होते हैं, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उसका कंप्लेन ये होता है कि जो पेपर है वो कंप्लीट नहीं होता। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको क्या करना चाहिए, पहले 25 में से टारगेट बनाना चाहिए कि 15 क्वेश्चन है ना वो मैं 100% सॉल्व कर लूँ, ठीक है। अगर सारे क्वेश्चन आपको पता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज पहले 15 क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं जो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है वो कर लेने हैं, उसके बाद में जो टाइम बचता है उसमें से थोड़ा सा टाइम है ना बाकी ये 5 क्वेश्चन है उसको सोल्व करने में आपको लगाना चाहिए, जिसमें आपको डाउट है कि इसमें सोल्व करूं अगर मैं तो आंसर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, और 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन तो पेपर में ऐसे निकलते हैं, फिर जैसा स्कूल किसी के लिए 1-2 क्वेश्चन होंगे, किसी के लिए 5 क्वेश्चन होंगे, किसी के लिए मोर देन 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिसमें उसको पूरा कंफ्यूजन नहीं होता है कि क्या करना है पता नहीं, उस टाइम पे क्या करना चाहिए जैसे आपको थोड़ा सा सोल्व करके देखना चाहिए, इसके बाद रिस्क लेना चाहिए। नहीं तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेते हैं कि 3 क्वेश्चन में तो मुझे रिस्क लेना ही है चाहे कुछ भी नहीं आता है, तो क्लियर। तो ऐसे 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से एक करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.25 होती है, लेकिन अभी देखिए 0.5 होगी सही होने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, समझ रहे हैं कुछ। चलिए प्रोबेबिलिटी और जी मेन से बाहर आके क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है वेक्टर डी फाइंड करना है, तो पहले इसको ऑर्डर देता हूं मैं क्योंकि हमारा जो डिस्कशन है वो लैम्ब्डा के लिए पूरा हो चुका है, अब हमें फाइट करनी है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर डी।
तो अभी भी हम इस पे ही फोकस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हमें दिया है। अब यहां से आपको देखना है कि क्या मैं क्या करूं ताकि मुझे a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a मिले। सोचिए, ये जो लेमडा की वैल्यू फाइंड ना, उससे थोड़ा सा ये मैं मान सकता हूं कि डिफिकल्ट है कि आपके माइंड में ये आइडिया आए कि a प्लस बी इक्वल टू माइनस सी करेंगे, फिर जो है a प्लस बी और इधर माइनस से यहां तक तो पहुंच चुके हैं, दोनों साइन वेक्टर c से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। अब आपको पता चल जाना चाहिए कि क्यों किया। यहां से a क्रॉस c मिलेगा, फिर प्लस है, फिर b क्रॉस c मिलेगा और ये c क्रॉस c हो जाएगा जी, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो a क्रॉस c, अब क्या हुआ बता दीजिए, हम एटलीस्ट a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a में से कुछ टर्म तक तो पहुंचे। अब आगे की बात करते हैं, इसको सामने ले जाएंगे तो माइनस बी क्रॉस सी होगा, देन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट माइनस बी क्रॉस सी होता है सी क्रॉस बी, क्लियर। और अगर आप एक बार फिर से सिमिलरली जैसे हमने सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया वैसे आप ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेते और बी के साथ बी क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो आप समझ पाते हैं कि ए क्रॉस बी भी इसके इक्वल ही होता है, ठीक है ना। बी क्रॉस ए के इक्वल होता होगा, आप ट्राई करना, बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ठीक है। कैसे पता चला? पता कुछ नहीं चला, मैंने इक्वेशन सोल्व किया इसलिए पता चला, बाकी आपको करना पड़ेगा। जैसे ये सी से हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, इसके बाद आपको बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा इसी स्टेटमेंट में, उसके बाद वेक्टर ए के साथ, तो आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। अब देखना ये है, हमारे पास ए क्रॉस बी है इसको मिला है बी क्रॉस ए, दूसरा हमारे पास है बी क्रॉस सी इसको मिला है सी क्रॉस बी, हमारे पास है सी क्रॉस ए इसको मिला है ए क्रॉस। तो हम यहां से अगर आप समझ सके तो ये बात और ये बात E क्रॉस A, B क्रॉस C एंड A क्रॉस B तीनों एक ही बात है। क्या किया मैंने इसको A क्रॉस C को C क्रॉस A लिख दिया, तो इधर C क्रॉस B को B क्रॉस C लिख दिया, B क्रॉस A को A क्रॉस दिया, तीनों से माइनस 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 आएगा लेकिन वो विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन पे, ये आपका D है, ठीक है। अगर इसको ए क्रॉस बी मिला है, ये बी क्रॉस सी है और ये सी क्रॉस ए है और तीनों तो इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, इट मीन थ्री टाइम ए क्रॉस बी, या फिर ये होगा थ्री टाइम बी क्रॉस सी, या ये होगा थ्री टाइम सी क्रॉस ए, और ये जो है आपका वेक्टर डी का आंसर है। अब ऑप्शन में इसमें से जो भी है ये अगर है कहीं पे तो ये आपका आंसर है, ये है, जो भी दिया है आपको वो आपका आंसर है, क्योंकि ये तीनों ही वेक्टर डी ही है, क्लियर। और जल्दी से मैं क्वेश्चन में आपको देख के बता देता हूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए माइनस थ्री बाई टू है और उसके साथ थ्री टाइम्स ए क्रॉस बी ऐसा दिया था, थ्री टाइम्स ए क्रॉस बी, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर वन जो है ना वही हमारा करेक्ट आंसर है, क्लियर। तो इस तरीके से हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि जी मेन है वो बहुत टफ एग्जाम है, उसमें टफ क्वेश्चन आते हैं, वो एवरेज स्टूडेंट है उसको सोल्व नहीं कर पाते, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि एडवांस का लेवल है वो थोड़ा सा, या हम बोल सकते बहुत ज्यादा, ठीक है, हायर लेवल होता है, लेकिन जी मेन का लेवल है उसमें कुछ ज्यादा दम नहीं है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया, वैसे हर बार जी मेन है वो एवरी ईयर दो अटेम्प्ट लगाते हैं, ठीक है, और हर बार पांच से छह पेपर होते हैं तो टोटल 12 पेपर होंगे, ठीक है। तो वेक्टर की बात करें तो एवरी ईयर वेक्टर में से अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सेशन में से मिलकर 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो सब क्वेश्चन यहाँ में हमारे सामने सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि हमें एनसीईआरटी का लोड होता है, ठीक है। तो आपको जो है
YouTube पे रवि बालोरिया सर्च करेंगे तो मेरा एक दूसरा चैनल भी वहां पे है जहां पे मैंने ये स्टार्ट किया है कि जीमेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन मैं वहां पे डालता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार जाके विजिट करना, ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। 5 to 6 मिनट में किसी भी क्वेश्चन को डिटेल में मैं वहां पे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझेंगे, सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन में उसके पीछे की लॉजिक है ये भी मैं वहां पे आपको बताता हूं, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के एग्जांपल की। उसमें सबसे पहले मेरे पास जो डाउट आया है वो है एग्जांपल नंबर 20। मुझे व्हाट्सएप पे डाउट किसी ने भेजा है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो आर्यन ने ही भेजा था कि एग्जांपल नंबर 20 कुछ इस तरीके से है, फॉर एनी टू वेक्टर ए बी, ए प्लस बी लेसर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज लेसर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन को मैं तीन अलग अलग बातों से आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक सबसे पहला कि आप जानते हैं ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऐसी होती है तो खत्म हो गई बात, ये तो ट्रू है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई जीत पकड़ के बैठ गया कि नहीं मुझे तो समझना है भाई, बताओ क्यों ऐसा होता है, तो आप उसको आराम से बता सकते हैं कि देख भाई ये अगर वेक्टर ए है और ये अगर वेक्टर बी है तो ये वेक्टर जो है ना ये ए प्लस बी होगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी आपके सामने है तो दुनिया जानती है कि ट्राइंगल में जो तीन साइड है उसमें से किसी दो साइड का अगर आप सम करते हैं वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड इसके लिए लिया क्योंकि हम ये साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं और यहाँ पे इतना बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल में किसी दो साइड का सम, एक बार फिर से, सम ऑफ टू साइड इन ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल लेंथ ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड का जो लेंथ होता है उससे दो साइड को अगर मिला देते हैं तो वो ऑलवेज ग्रेटर ही होगा, क्लियर। तो ऐसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा ज्यादा डिमांड है कि नहीं थियोरेटिकली पूरा एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट समझिए कि अगर हम बात करते हैं ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, ये साइड की लेंथ, तो अब यहां से काम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर इसका स्क्वायर करें तो फिर हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 1, 2 and 3 आपको पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, ये होता है डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है, क्लियर। अगर नहीं याद है, नहीं समझ में आया तो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर को, अब ये भी नहीं समझ में आया तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ए डॉट ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और इसका उल्टा अगर देखें तो ये होता है, तो ये ए स्क्वायर है तो ए डॉट ए होता है, क्लियर। अब सबको अगर ओपन करते हैं तो ए डॉट ए होगा पहले, फिर ए डॉट बी होगा, फिर ये बी डॉट ए होगा और लास्ट में बी डॉट बी हो जाएगा, क्लियर। एंड ऑल्सो वी ऑल नो दैट ए डॉट ए होता है ए स्क्वायर, बी डॉट बी होता है बी स्क्वायर और ए डॉट बी एंड बी डॉट ए दोनों सेम होता है बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर आर कम्यूटेटिव, सो वो टोटल 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया, क्लियर यार इसकी बात। अब देखिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सोचिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी तो क्या होगा, सोच के देखिए। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं ए डॉट बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करना चाहूं तो क्या होगा, तो थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ए डॉट बी जो है मैंने आपको इसका रेंज बताया था माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी टू
मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड इन दोनों के बीच में होता है, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या कहते हैं उसका मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेंज जो है ना वो ओनली जीरो टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड बी तक होना। और अगर कुछ भी ना सोचे, सिंपली सोचे, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू ओनली पॉजिटिव हो सकता है। इट मीन्स ये जो साइड है ना, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड, ये ऑलवेज ग्रेटर होगी। ये इक्वल हो सकता है बार बार, यस इक्वल हो सकता है। जिस टाइम पे ये पॉजिटिव रहेगा तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव है तो दोनों इक्वल होगा। अब ये क्या बात है ये मैं बताता हूँ आपको। अगर माइनस जीरो पॉइंट फाइव है माइनस जीरो पॉइंट फाइव का मॉड्यूलस, ठीक है, तो राइट हैंड साइड है वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो इस टाइम पे लेसन हो जाएगा। लेकिन सोचिए अगर ऐसा होता है जीरो पॉइंट फाइव एंड मॉड्यूलस ऑफ जीरो पॉइंट फाइव, तो इस टाइम पे दोनों इक्वल होगा, अगर आप समझ सकते हैं तो। क्लियर, तो फाइनली हमारा डिस्कशन यहाँ तक पहुंचा है कि अगर मैं मॉड्यूलस लगा देता हूँ तो जहां पे मॉड्यूलस लगाता हूँ वो साइड ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी, मतलब अभी राइट साइड है वो ग्रेटर और इक्वल होगी एज कम्पेयर टू दिस साइड, दिस दिस एंड दिस। क्लियर, अब एक और दूसरा काम मुझे करना है। अगर मैं यहाँ से ऐसा करूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो क्या होगा? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी मुझे दिया है, उसमें से मुझे लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? सोचो सोचो सोचो। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि ए डॉट बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हो सकती है, तब जब कॉस थीटा वन हो, कॉस थीटा वन क्या होता है, थीटा इक्वल टू जीरो। बाकी सारे केसेस में क्या होगा अगर दोनों इक्वल तो हो, तो ए डॉट बी है वो ए बी से लेस होगा ऑलवेज, क्योंकि ये जो है ना ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैं आपको बता चुका हूं बाद में कोशिश वाज इक्वालिटी, अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ, बोलो। तो फाइनली हमने अगर इसकी जगह से ऐसा प्रूव किया तो ये अब जो ये नीचे वाला स्टेप है ये और भी ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि हमने किसी नंबर के प्लेस पे उससे बड़ा नंबर पुट कर दिया है। क्लियर, और अब अगर देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए भी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर। क्लियर, ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये और ये ग्रेटर है, मतलब कि ये जो स्टेप है ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर है, मतलब फाइनली ये जो स्टेप है और ये स्टेप है इसमें ये राइट हैंड साइड ग्रेटर है। सो फाइनली आई कैन राइट दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर, और फाइनली वी कैन से अगर दोनों से स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये आपका ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का प्रूफ है। अब यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछ देना कि दोनों से स्क्वायर रूट निकाला है तो प्लस और माइनस आएगा कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है भाई, लेकिन वो तो सोचने वाली बात नहीं है। मैग्नीट्यूड है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी सम ऑफ मैग्नीट्यूड है, तो सारा पॉजिटिव माइंड से ख्याल चल रहा है, पूरी दुनिया पॉजिटिव है, नेगेटिव का कोई स्थान नहीं। क्लियर, चलिए तो अभी इसमें एक बात है वो ये कि मिसलेनियस एग्जांपल, और कसम से मैं आपको बोल सकता हूं कि वेक्टर अलजेब्रा के जो मिसलेनियस एग्जांपल है डेंजर है भाई, और डेंजर है ऐसा नहीं बट एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से आप देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तब भी इस चैप्टर के जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो आज का क्लास है वो यहां तक हम रखते हैं। आपका काम है कि आप जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करें, उसमें अगर कोई डाउट आपको मिलता है तो वो मुझे सेंड करेंगे, देन आई विल सॉल्व इट। क्लियर, लेकिन
ये मेरे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के जो मैंने इतने से एग्जांपल से इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार ऐसा देख चुके हैं हम कि जो पिछले एग्जाम्पल थे उसी में से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ये तो जनरल बात नहीं पूरी एनसीईआरटी की, लेकिन ये जो मेटल रेडी का जो यूनिट है इसमें से जो मिसलेनियस एग्जांपल से एजीटी वही क्वेश्चन जी मेन में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जो मिसलेनियस एग्जांपल से ऊपर है। क्लियर, बाकी मैंने आपको बोला अगर कहीं पे डाउट है तो आप बोल देंगे, तो उसको जैसे मैंने ये एग्जाम्पल नंबर 20 सोल्व करवा दिया वैसे करवा दूंगा। अब रही बात है कि टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करना है वो तो आप करते ही होंगे, कुछ लोग ठीक से टेस्ट नहीं दे रहे अभी भी मेरी कंप्लेन है आपसे, तो सब लोग टाइम टू टाइम प्रिपरेशन करके टाइमली पेपर लिख के उसको सोल्व किया कीजिए। एंड लास्ट में जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो नेक्स्ट टाइम से हम स्टार्ट करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट कंडीशन है अगर वेक्टर इंजीनियर आपको ठीक से समझ में आया है तो अभी जो भी डाउट है वो आप सेंड कर दीजिए, पहले आपके डाउट सोल्व करेंगे उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके लिए भी डाउट निकालने के लिए और सेंड करने के लिए भी जरूरी है कि एक बार आप रिवाइज करें, और ये आपके लिए है मेरे लिए है। क्लियर, बाय।